हेलो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत और नेपाल ने 2023 के एशियन गेम्स में क्वार्टर फाइनल खेल खेला। टीम इंडिया ने इस रोमांचक मैच को 23 रन से जीता। भारतीय युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल ने इस मैच में बल्ला जमकर बोला। हर कोई भारतीय टीम के अनुभवी सलामी बल्लेबाज शिखर धवन की तूफानी बैटिंग को याद करता है। गब्बर ने भारत के लिए बहुत सी यादगार पारियां खेली हैं। धवन ने ICC टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन शिखर को भारतीय टीम से निकाल दिया गया है। वह भी वर्ल्ड कप टीम में नहीं है। भविष्य में शायद ही कभी उनको नीली जर्सी पहनने का अवसर मिलेगा। इससे प्रशंसक भी निराश हैं, क्योंकि शिखर की शैली के खिलाड़ी को बदलना मुश्किल है। भारतीय प्रशंसकों के लिए हालांकि अच्छी खबर है, टीम इंडिया ने एक नए खिलाड़ी प्राप्त किया है। वह ओपनर है और तूफानी बल्लेबाजी करता है। 21 वर्ष की उम्र में ही यह खिलाड़ी टेस्ट और 2-0 में शतक ठोक चुका है। इस समय युवा भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल का बल्ला जमकर बोल रहा है। वह IPL 2023 से ही शानदार फॉर्म में है। IPL के बाद वेस्टइंडीज में अपने डेब्यू टेस्ट में शतक ठोका, इसके बाद 2-0 में भी शानदार बल्लेबाजी की। अब हांगझोउ में चल रहे एशियन गेम्स में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। नेपाल के खिलाफ जायसवाल ने 48 गेंद में शतक बनाया। अपनी शतकीय पारी में उन्होंने 204 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 8 चौके और 7 छक्के जड़े। यशस्वी भारत के लिए टी क्रिकेट में सबसे जल्दी शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। जायसवाल भी शिखर धवन की तरह है। वह तूफानी बल्लेबाजी करते हैं और कभी कभी स्ट्राइक रोटेट करते हैं। जायसवाल ने अब तक भारत के लिए 6-0 और 2 टेस्ट खेले हैं। 2-0 में 1 शतक और 1 50 के साथ 232 रन बनाए हैं। इस टेस्ट में यशस्वी ने 88 की औसत से 266 रन ठोके हैं। उन्होंने टेस्ट में 1 सेंचुरी और 1 हाफ सेंचुरी भी जड़ी है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।